दोस्तों, क्या आपके फोन में भी कम जीबी का रैम दिया हुआ है और इस वजह से आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलते हो तो गेम बहुत ज्यादा लैग होता है, जैसे कि फ्री फायर, BGMI या फिर कोई भी अदर गेम खेलते हो तो गेम बहुत ज्यादा लैग होता है? तो भाई, इस वीडियो में मैं आपको आपके फोन के अंदर ही कुछ ऐसे हिडन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फोन की गेम लैगिंग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस सेटिंग्स को करने के बाद आप अपने फोन में कोई भी बड़ा से बड़ा गेम खेलो, आपके फोन में गेम जरा सा भी लैग नहीं होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिर्फ आपको अपने फोन के अंदर खुद से कुछ नया सेटिंग्स करना होगा। तो चलिए उस सेटिंग्स के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक कर दें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं टेक शिवम सोनी यूट्यूब चैनल। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आप किस तरीके से अपने किसी भी फोन में गेम लैग प्रॉब्लम को हमेशा के लिए कैसे ठीक कर सकते हो, ताकि आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलो, BGMI, फ्री फायर, तो वो कहीं भी आपके फोन में लैग ना हो। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर सेटिंग्स को ओपन कर लेना है, ठीक है। ओपन करने के बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है एडिशनल सेटिंग्स। यहां पर आप देख सकते हो डायरेक्टली आपको एडिशनल सेटिंग्स के अंदर आ जाना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है डेवलपर ऑप्शन, और ये हम सभी के फोन के अंदर हिडन सेटिंग्स होता है। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर एक्टिवेट करना होगा। तो ये कैसे एक्टिवेट होगा, तो आपको अपने फोन के सेटिंग्स के अंदर जाना है, अबाउट फोन के अंदर जाना है और बिल्ड नंबर पर आपको 7 बार टैप करना है। उसके बाद जो डेवलपर ऑप्शन है ना, वो आपके फोन में एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली हम यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाते हैं और यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है लॉगर बफर साइज, यहाँ पर आप देख सकते हो। और डायरेक्टली अगर आप इस पर टैप करते हो तो ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर 256 KB पे सेट होता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि आप अपने फोन में जब भी कोई गेम खेलते हो तो गेम बहुत ज्यादा लैग होता है, सही से जॉयस्टिक काम नहीं करेगा, बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको 4 MB कर देना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा ना कि आप अपने फोन में जो भी गेम खेलोगे तो गेम जरा सा भी लैग नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन जैसा गेम चलेगा। तो सबसे पहले आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर करना है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अपसिक्वेंस सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है ग्राफिक ड्राइवर प्रिफरेंस, यहां पर आप देख सकते हो। डायरेक्टली आपको इसके अंदर आ जाना है, ठीक है। और यहां पर जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन है ना, वो सारा यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो गेम आप अपने फोन में खेलते हो, जैसे कि फ्री फायर खेलते हो तो फ्री फायर यहां पर सर्च कर लेना, या फिर BGMI खेलते हो तो BGMI सर्च कर लेना, ठीक है। तो मैं अपने फोन में BGMI खेलता हूं, बैटल ग्राउंड इंडिया, यहां पर आप देख सकते हैं। डायरेक्टली आपको इस पर टैप करना है और ये क्या होगा कि हम सभी के फोन के अंदर डिफॉल्ट पे सेट होता है, और इस वजह से क्या होता है ना कि जो गेम का ग्राफिक है वो बहुत ही लो ग्राफिक आता है, और उस वजह से गेम बहुत ज्यादा लैग होता है और आपको सही से कुछ भी दिखता नहीं है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको सिस्टम ग्राफिक ड्राइवर, इस पर आपको सेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो गेम का ग्राफिक है वो बहुत ज्यादा इनहेंस हो जाएगा और गेम आपके फोन में जरा सा भी लैग नहीं होगा, बिल्कुल मक्खन जैसा गेम चलेगा। तो ये सिक्वेंस सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, डायरेक्टली आपको बैक चले आना है, आपको डेवलपर ऑप्शन के अंदर आ जाना है, ठीक है। यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है वाईफाई स्क्रीन थ्रॉटलिंग, यहां पर आप देख सकते हो। और ये क्या होता है कि हम सभी के फोन के अंदर बंद होता है, लेकिन ये हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। ये आपको दो काम करेगा, पहला तो जो आपके फोन का बैटरी ड्रेन है वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, और यहाँ पर जो आपके फोन का नेटवर्क परफॉर्मेंस है ना वो यहाँ पर इंप्रूव हो जाएगा। क्योंकि अगर आपके फोन में नेटवर्क सही से नहीं आएगा तो भाई आपके फोन का इंटरनेट भी सही से काम नहीं करेगा, और अगर आपके फोन में इंटरनेट सही से नहीं चलेगा तो जाहिर सी बात है कि गेम लैग होगा और पिंग बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। तो यहां पर आपको करना क्या है, डायरेक्टली आपको इस सेटिंग्स को यहां से ऑन कर देना है, ठीक है।
ऑन करने के बाद क्या होगा कि जो आपके फोन का नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, वो कहीं भी आपको फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर फोन में नेटवर्क नहीं रहेगा ना तो इंटरनेट स्लो काम करेगा, और इंटरनेट स्लो काम करेगा तो गेम तो लैग होगा ही। तो यहां पर आपको इस सेटिंग्स को ऑन कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब थर्ड सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है फोर्स डीएक्स एमएसए, यहां पर आप देख सकते हो, या फिर किसी किसी फोन में होता है फोर्स 4x, ये दो नाम से होता है। तो आप अपने फोन में देख लेना कि आपके फोन में किस नाम से है, ठीक है। लेकिन ये हमारे फोन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है। अगर आपके फोन में कम जीबी का रैम दिया हुआ है, आपके फोन का प्रोसेसर बहुत ही लो है, तो ये उस वक्त आपके फोन में काम करेगा। आप अपने फोन में इसे ऑन कर लोगे तो जो आपके फोन का प्रोसेसर है ना वो इनहेंस हो जाएगा, और जो आपके फोन का रैम है वो भी बढ़ जाएगा, यानी कि ये वर्चुअल रैम का काम करता है। और इसके बाद आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलोगे तो गेम जरा सा भी लैग नहीं होगा और बिल्कुल स्मूथ गेम चलेगा, और जो उसका ग्राफिक है ना, ग्राफिक भी बहुत अच्छा आएगा। तो आपको इस सेटिंग्स को अपने फोन के अंदर ऑन कर लेना है। उसके बाद यहां पर हम बात करेंगे अब फिफ्थ सेटिंग्स के बारे में। तो उसके लिए आपको करना क्या होगा, यहां पर आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको जिसका नाम है बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, यहां पर आप देख सकते हो। और डायरेक्टली अगर आप इस पर टैप करते हो तो ये क्या होता है ना कि हम सभी के फोन के अंदर स्टैंडर्ड लिमिट पे सेट होता है। और इस वजह से क्या होता है कि आप अपने फोन में जब भी कोई गेम खेलते हो तो जितने भी आपके फोन में एप्लीकेशन है ना, 20 एप्लीकेशन, 30 एप्लीकेशन, वो सारे बैकग्राउंड में रन होने लगते हैं, और वो भी स्टैंडर्ड लिमिट पर। तो भाई जब भी आप अपने फोन में गेम खेलोगे और सारे एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होगा तो आपके फोन के सीपीयू पर ज्यादा लोड पड़ेगा, और उस वजह से क्या होता है कि गेम बहुत ही लैग होता है, और गेम खेलने के वक्त आपका फोन भी हैंग होने लगता है। तो यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर आपको एट मोस्ट 1 प्रोसेस कर देना है, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि जब भी आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलोगे और उस वक्त सिर्फ वही गेम आपके फोन में प्रोसेसिंग करेगा, और जितने भी बैकग्राउंड में एप्लीकेशन रन कर रहे थे वो सारा बंद हो जाएगा, और आपके फोन में कहीं भी गेम लैग नहीं होगा। तो यही 5 सेटिंग्स आपको अपने फोन के अंदर करना है। उसके बाद आपका कोई भी फोन हो, कितना भी पुराना क्यों ना फोन हो, आप अपने फोन में कोई भी गेम खेलोगे तो गेम कहीं भी लैग नहीं होगा, बिल्कुल स्मूथ काम करेगा मक्खन के जैसा। तो ये 5 सेटिंग्स आप अपने फोन में जरूर कर लेना, और आपके फोन में 90 FPS भी इनेबल हो जाएगा यही 5 सेटिंग्स से। तो ये सेटिंग्स आपको कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताना। आई होप कि आपके लिए वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो, तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तक के लिए जय हिंद, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।